एंड अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम है मकबूल खान और आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारा शो में जो लोग आ रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं। एक का नाम है मोमिना मोमिना मुस्तहसन और दूसरे का नाम है आइमा बैग और बहुत ही अच्छा लड़की लोग हैं ये दोनों और बहुत अच्छा गाना भी गाता है। आज देखता है कि इनका कोई फैन लोग अगर इधर आया हुआ है तो उससे भी हम मुलाकात करता है। कोई है इधर फैन लोग? हाँ, फैन लोग आया हुआ है, थोड़ा स्लो आ रहा है। हम बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा। हमको बात तो करने दो, तो एकदम शुरू हो गया। आपका नाम क्या है? हम का क्या आया है, आप बताओ आप का क्या है? अच्छा, आप किसका ज्यादा बड़ा फैन है? बिजली का। क्या बात है, तो लतीफा हो गया है। चलो आप बताओ किसका फैन है? मोमिना का। मोमिना का फैन है। और आप करता क्या है? मैं कुछ नहीं करता, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। वो भी यही करता है। लेकिन फिर भी कोई काम करता है, कोई पढ़ाई लिखाई करता है, कोई बिजली का काम करता है? हम पढ़ते हैं। पढ़ता है, लेकिन उन लोग ने तो पढ़ाई छोड़ कर ऐसा काम शुरू कर दिया। आप अभी तक पढ़ रहा है? नहीं, कोई नहीं। काम करो, चार पैसा कमाओ यार। नहीं नहीं, मोमिना ने डबल पीएचडी किया है। डबल पीएचडी भी किया हुआ है, ये तो बहुत अच्छा और बहुत तेज लड़का लोग लग रहा है। हमको ऐसा चाहिए कि अंदर चलता है और जाकर देखता है वो क्या बात लोग कर रहा है। चलो चलो। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन और आप देख रहे हैं सीजन 2। डबल विकेट, डबल रोटी, डबल डोज, कुछ भी डबल हो डबल ट्रबल के अलावा तो बहुत मजा आता है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं एजाज असलम साहब से, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है। तो हेलो एजाज भाई, कैसे हैं आप? हैप्पी बर्थडे जानी, हैप्पी बर्थडे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता पपलू डपलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू एजाज असलम। एजाज भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। जानी, सेम टू यू, सेम टू यू। लेकिन जाज भाई, मेरी बर्थडे नहीं है आज। इट्स ओके जानी, तो दिन छोटा नहीं कर, तेरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। अबे फैसल, सबको नोक वाली टोपियां तो पहना दो, और केक के ऊपर मोमबत्तियां क्यों नहीं लगा रही, फुलझड़ी लगा दी किसी ने? अरे जाज भाई, कौन कौन आया हुआ है, कहाँ हो रही है सब सेलिब्रेशन? अबे तुम्हें छोड़ के सब लोग आए हुए। फैसल, ये शहजाद के सर पे एक जोर की लगा, इसे आलू वाले समोसे बोले थे, कीमे वाले ले आए, बजट आउट करा देगा ये। इजाज़ भाई, शो के बाद मैं जरूर चक्कर लगाता हूँ। हाँ हाँ मेरी जान, बोल तू अभी भी आजा, मैं बता रहा हूँ 2-3 समोसे एक्स्ट्रा है यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ रोल कोई भी नहीं खाएगा, दो दो डेढ़ डेढ़ खाएंगे सब। इजाज़ भाई, वैसे कौन कौन आया हुआ है? यानी बोल तो रहा हूँ सब लोग आए हुए। आप मोहिब मिर्जा ना अपने दो दोस्त उठा के ले आया, आप बताओ, वन डिश थी, सब कुछ ना कुछ ला रहे थे, वो अपने दो दोस्त ले आया। अब तू अगर आए ना, प्लीज अकेला आइयो, पहले बजट आउट हुआ है। लेकिन इजाज़ भाई, मेरे शो पे आज आयमा और मोमिना आए हुए हैं। अरे वाह, अबे उनको भेज दे तू, अगर नहीं भी आ रहा तो कसम से आधा आधा गाना भी गा देगी ना, बर्थडे हिट हो जाएगी बहुत मेरी। अच्छा छोड़े जाते हैं, आप कोई मशवरा अगर उनके लिए देना चाहें तो दे दें। जानी आज मशवरा तो कोई भी नहीं है मुझे देने को, आज मेरे पास केक के दो पीस हैं, एक दो समोसे हैं, आधा रोल पड़ा हुआ है। अबे फैसल, ये देख हॉटपॉट में कौन, ये नवीद रजा क्या बना के ले आया, अबे घर से कोई भी नहीं खा रहा ये। जाते आपने घर पे ही बर्थडे कर ली अपनी? हाँ जानी, गलती हो गई, घर पे कर ली। अबे शो पीस बचा के मैं चाइना से लाया था। अरे जाज भाई, गिफ्ट क्या क्या मिले आपको? यहाँ से जानी एक मिनट होल्ड कर ले, वो गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी चल रही है। भाई तू इधर आ जा, कैमरामैन तुझे किस लिए बुलाया, सामने आ जा, आराम से खोलना, एक भी रैपर फटना नहीं चाहिए, बाद में यूज हो जाते हैं। दिखाओ ये किसका? अरे बताओ, शब्बीर भाई ने वॉल क्लॉक भेज दी। ये वो वॉल क्लॉक है जो सदियों से ऐसी घरों घरों में घूमती आ रही, कहीं लगी नहीं है दीवार पे आज तक। चल यासिर, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, गिफ्ट खुल रही, कोई जेब वेब में नहीं डाल ले। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच एजाज भाई। ये थे एजाज भाई, आज इनकी बर्थडे है। असल में इनकी बर्थडे 3 हफ्ते पहले थी, लेकिन सुपरस्टार हैं, ये 3 हफ्ते बाद तक मना रहे हैं। थैंक यू एजाज भाई। आज के इस शो में आपको डबल मजा आने वाला है, क्योंकि आज के हमारे दोनों गेस्ट सिंगर हैं, दोनों ही फीमेल हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों ही बहुत अच्छा गाती हैं। एक को देख के दिल कलाबाजियां खाने लगता है, तो दूसरी को देख के दिल से सदा निकलती है आफरीन आफरीन। कमाल के सुर हैं, बेहतरीन आवाज है, इनकी मेहनत ही इनकी कामयाबी का राज है। One is the moon, then other is the sun. Please welcome Aima Baig and Momina Mustehsan. Karte hain mujhse pyaar sab sitare, mil jayenge tumko ye yahan. The afternoon show, the afternoon show, the afternoon show. ये दो नन्ही बच्चियाँ जिनकी भी हैं वो ले जाए। हेलो मम्मी, हेलो पापा।
कैसे आप लोग, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज तशरीफ रखिए ताकि आप लोगों से बात शुरू की जाए। अच्छी अच्छी बातें, जिसको जहाँ दिल करे वहाँ बैठ जाए इस कुर्सी को छोड़ के। मोमिना, आयमा और यासिर, कैसे हैं आप लोग? अभी ठीक है? हम सब ठीक है। हाँ, सब फर्स्ट क्लास है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा, शुरू करें। अच्छा आयमा, आपके फादर सिंगर बनना चाहते थे हमने सुना, तो फिर उन्होंने आपको सिंगर बना दिया। ऐसा तो नहीं कि वो अपने अब्बा से बदला लेना चाहते थे कि कोई ना कोई तो बना के, या तुमने सोचा कि बाप का दादा का सबका बदला लेगी? आई एम सो सरप्राइज्ड राइट नाउ कि आपको किस तरह पता लगा है। ये आपने खुद अपने इंटरव्यू में कही भी है, और मैं तो सारे इंटरव्यू देखता हूं। मेरे अब्बा का ही यूज्ड टू हैव हिज ओन बैंड बैक इन दुबई, तो उनका बड़ा बैंड होता था। ही वाज लाइक कि मेरा, मैंने ये जो करियर है इसी को परस्यू करना है। बट माय क्या कहते हैं दादाजी, ही वाज लाइक नहीं बेटा पढ़ना है। एंड देन उन्होंने मेरे अब्बा को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाया और बिल्कुल म्यूजिक से हटा दिया। सो व्हेन ही फाउंड आउट कि भाई मेरे बच्चों में से किसी एक में है ये चीज़, सो ही वाज लाइक गो अहेड, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। अच्छा मोमिना, 2017 में बीबीसी ने आपको 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल किया, उसके बाद एक और लिस्ट आई, उसमें आपका नाम है 30 अंडर 30 फोर्ब्स में, उसके बाद हाँ एशिया की वो भी, उसके बाद स्टोनी बुक यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट किया। अच्छा? तो आप दुनिया में रहती हैं कि लिस्टों में ही रहती हैं? कैसा लगता है जब इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे नाम आता है? ऑनेस्टली थोड़ी सी शैम फीलिंग होती है कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, कि आई डोंट थिंक आई डिजर्व टू बी ऑन दोज लिस्ट, बिकॉज दोज आर वेरी प्रेस्टीजियस लिस्ट्स। I went to Stony Brook University and for them to honor me as their 40 successful graduates under the age of 40 was a big, big honor for me, and especially for civil service and activism. So, in sari liston ke baad aur zyada thoda sa personally pressure badhta hai ke kuch aur bhi karna hai aur mehnat karni hai, because then politics, there are more eyes on you. Who be inshallah ek din. Jana. But I think she's super good at it. No, I think she can make really great speeches. मतलब ये start होती है ना तो इसको रोकना पड़ता है। आयमा ने मेरे बहुत फलसफे सुने। हाँ मोमिना, next question please. नहीं मैंने भी सुने हुए इनके फलसफे बहुत ज़्यादा। ये बहुत बड़ी philosopher है। मुझे लगता है मैं किसी दिन सूफी बन जाऊँगी। Yeah, you never know. जाऊँगी? हाँ हूँ शायद already. बड़े सूफी कह रहे हैं हम किसी दिन मोमिना बन जाएंगे। तुम कह रही हो कि मैं सूफी बन जाऊँगी। अच्छा अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे सिंगर्स जो नए आते हैं वो पुराने बड़े सिंगर्स के साथ अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो आपने एक सीनियर तज्जिया निगार मुबशिर लुकमान साहब के साथ अपना गाना गाया, तो क्या पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनकी हालात में? बिकॉज बहुत कम लोगों को पता है कि ही इज़ माई अंकल, मेरे अब्बा के फर्स्ट कज़न है वो। अच्छा? So nobody, हाँ, this is the first time actually revealing it, but मैंने शायद किसी शो पे पहले भी बोला। मुझे यकीन आपने नहीं बोला होगा। अच्छा, आज भी आपके मुंह से निकल गया, आपको बोलना नहीं था। He is my uncle, so इस तरह का सीन है कि वो घर में बचपन से आते रहे। उन्होंने जिद की आपसे, आपने उनसे जिद की? गाने की जिद उन्होंने की। अच्छा मोमिना, आपका पहला गाना आफरीन आफरीन, तो उसके बाद लोग आके क्या कहते थे अमूमन फैंस के, यार बहुत अच्छी सिंगर है, आप बहुत खूबसूरत हैं, आफरीन आफरीन करते थे ज्यादा? I was very disturbed by the fact that there was more emphasis on how I looked. ये होता था कि लोग आफरीन ज्यादा करते थे? मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो आपका है ना, आपको ज्यादा बताओ। जी इट वाज अ लिटिल आई डू अप्रिशिएट एंड रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, बट देन थोड़ी सी ऑब्जेक्टिफिकेशन भी आ गई थी उधर, क्योंकि सिर्फ यही होता था शक्ल ये वो। तो अभी भी ऐसा होता है कि घर में कोई मेहमान आ गया तो अम्मी अब्बू कहते हैं बेटा जरा वो सुनाना थोड़ा सा? मेरे अम्मी अब्बू तो मुझे हमेशा से कहते थे गाना नहीं है। माँ बाप जानते हैं, माँ बाप बच्चों को सब जानते हैं। अच्छा आयमा, आपका क्लेम टू फेम जो था वो कलाबाज दिल एक गाना था, जो आपकी ही फिल्म का। अरे ये तो मैं बताने ही वाला था, आपकी ही फिल्म का। मुझ पे ही फिल्म आया गया, मेरे साथ सबा कमर थी और उस गाने के बाद आपने कभी मुड़ के नहीं देखा। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि उसने मुझे, दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग हू एवर got me an award. So I think इससे ज़्यादा special गाना मेरे लिए कोई है नहीं। हाँ उस फिल्म में मुझे हालांकि अवार्ड नहीं मिला, मैं पूरी फिल्म में था, लेकिन आपको गाने पे अवार्ड मिल गया। ये एक लाइन तो गा दो बगैर म्यूजिक के। कलाबाज दिल है बैरे जाने क्या कहे, कदर जो न जाने उसके पीछे ही रहे, किसी की वफा पे किसी की वफा पे कोई और मरे, कलाबाज दिल है बैरी जाने क्या
कहे. That was beautiful. शुभ शुभ. मेरे ख्याल में आप मुझे कुछ रागों के नाम तो बताएं. आप तो म्यूजिक जानती हैं बहुत अच्छे से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मुझे पता है एक भैरवी राग होता है, एमन होता है, क्या उसका नाम. ये लड़कियों के नाम बताने शुरू कर दिए तुमने. एमन, पुष्पा, एमन इज अ राग. आई नो एंड देन दो मैंने बता दी, दो बताई. So, when I sang Afreen, tab, Khan sahab later asked me, "Aapne kahan se seekha?" I was like, "Sorry, Khan sahab, maine kahin se nahi seekha." Khan sahab pooch rahe the, "Main wo academy band karana chahta hoon, jahan se aapne seekha." Acha, bahut kam log jante hain ki 2014 mein ek villain film aayi thi aur uske andar aapne ek gana kiya tha. Ji. Haan, Awari. Awari. I know that. To wo gana kaise hua tha aur wo thoda sa agar हो जाए तो वो गाना इंटरनेट पे हुआ था. इंटरनेट पे हुआ. मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिली थी पहले. एंड आई जस्ट डिड इट. इट वाज अ वन ऑफ थिंग. दैट वाज इट. आइदर अगर थोड़ा सा वो हो जाए. मैं गिटार अपना लाई हूँ. गिटार लाई आप? जी सर. मेरे लिए भी लाई हूँ. आप ही के लिए तो लाई हूँ. थैंक यू. ये लेकिन आपको चाहिए होगा. गिटार मंगवाए भाई. फॉर बहुत आला. मोमिना मुस्तहसन और आयमा बेग हमारे साथ हैं. देखते रहें और सुनते रहें द आफ्टरनून शो सीजन 2. वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो. मेरे साथ दोनों खूबसूरत हसीनाएं बैठी हैं जिनकी बहुत ही जबरदस्त आवाजें हैं और बहुत ही कामयाबियों की बुलंदियां तय करती जा रही हैं दोनों. लेकिन ये जो हमारा सेगमेंट है ये बहुत मुश्किल है. जी मुझे लग रहा है मुश्किल इस तरह है कि आपने इन रिडल्स के जवाब देने जो गलत देंगे तो आपको ये एक शॉट लगाना पड़ेगा. अच्छा ठीक हो गया. मुझे रिडल्स जो हारेगा वो हारेगा, जो जीतेगा वो जीतेगा. हम यही बात कर रहे थे कि जो भी जीता शेयर तो हम करेंगे वैसे. वो तो ठीक है. एक ही बात यार, इतनी मोहब्बत दो लड़कियों में मैंने पहले तो कभी नहीं देखी. बस अब देख लें. अब हम शुरू करते हैं. ये हमारे कुछ मैजिक कार्ड्स हैं. ठीक है. आपका तोता तो नहीं आएगा निकाल? नहीं नहीं, मैं इसका तोता खुद हूँ. हर टीम में एक तोता होता है और इस टीम का तोता मैं. चलो एक कार्ड वाला.
चलो आपने बताना है इनके लिए और आपने बताना है इनके लिए, ठीक है? इनके लिए कौन सा टच कर दें बस, ये हो गया और सेंटर वाला आयमा के लिए। आयमा के लिए हो गया, बाकी हम यही रखेंगे। पहले आयमा से पूछते हैं। एक आदमी चीन में पैदा हुआ, फ्रांस में जिंदगी गुजारी और टर्की में जाके फौत हो गया, उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे क्या कहेंगे? हाँ। मतलब उसे क्या कहेंगे? चीन में पैदा हुआ, हाँ, और फ्रांस में जिंदगी गुजारी, टर्की में मर गया, तो उसे क्या कहेंगे? उसे मरा हुआ आदमी कहेंगे क्योंकि वो मर गया है। मरहूम कहेंगे। वेरी गुड। ऐसा क्या है जिसका आना भी खराब है और जाना भी खराब? मैं लाखों रुपए की शर्त लगा सकता हूँ, नहीं बता सकता। आना भी खराब है, जाना भी खराब है। प्यार आना भी खराब है, प्यार जाना भी खराब है। यार बहुत फिलोसॉफिकल है ये, नहीं है मगर इसका जवाब। प्यार आना भी खराब है, प्यार प्यार आना क्यों खराब है भाई? वो भी खराब है ना, उसकी ट्रबल। तो सबसे डेंजर जोन, टिक टिक। नहीं बिल्कुल नहीं आई। देखा, म्यूजिशियंस को पता चल गया। ओह नो, ये कोई बहुत स्टूपिड सी बात तो नहीं है? नहीं, अच्छा यही स्टूपिड बात नहीं है सब कार्ड्स में से। चलो एक लो, कौन सा वाला चाहिए इसमें से? ये वाला, ये वाला, ये वो है ना, चक 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 चक, पीयर प्रेशर। It's good actually. मैंने कहा था ना, आंखें आंखें जब जाती हैं तो मतलब चली जाती हैं ना। कब जाती हैं आंखें? आंखें जाती कहते हैं यार, इनकी आंखें चली गई। I'm so sorry, you have to drink this with coffee now. यार ये कौन सी बात हो गई? Such a bad one. Sorry. ये कॉफी मैं सिर्फ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि हम बिल्कुल सही कह रहे थे। आप ही के शो पे आपको किसने ऐसे कराया? नहीं जी, आप ही हैं बस। हम कलेक्टिव एफर्ट थी। चलो जी, ये वाला, ये हो गया। कुछ भी कर दे। बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? बकरी बकरी रहती है, बकरा नहीं बनती। अब मैं जवाब दूं? 6 साल की हो जाती है। चलो फिर अब तो ये कलेक्टिव भी नहीं रहा, यूं तोड़ा मैंने तुम्हें। चलो शाबाश, हो जाए हो जाए हो जाए। बकरी 5 साल के बाद क्या हो जाती है? पिया पिया आप पिया क्या बात? ये आता है एंड में। ट्यूसडे और थर्सडे के अलावा 30 से शुरू होने वाले 2 दिनों के नाम बताएं। टुडे एंड टुमारो। आए, मैंने कहा था ये सबको। जीत रही है लड़की। अच्छा। या ओके, दिस वन। कुछ भी कर ले, आपका दिल करे आप, क्योंकि जवाब भी आप ही के दिल के ही है। सबसे अच्छी सेल्फी कौन लेता है? अब तुम नहीं जवाब दे सकते। सबसे अच्छी सेल्फी कौन लेता है? बहुत सारे लोग। मोबाइल। मोबाइल। सबसे अच्छी सेल्फी कौन लेता है? सबसे अच्छी सेल्फी वो लेता है जो अपना मुंह मिट्ठू होता है। बिल्कुल भी नहीं, तुम छोड़ दो मुहावरे जाके। या ये क्या बात है, जबरदस्ती खिला रहे हैं मुझे। अच्छा चलो ठीक है, बताओ। मैं बताती हूं। हां, फ्रंट कैमरा। नहीं यार, सेल्फी बैक कैमरा से भी ली जा सकती है। नहीं नहीं, हां नहीं, पहले बैक कैमरा से ही लेते थे। बात पहले की बात नहीं कर रहे हैं ना आप? अभी बात तो कर रहा हूं मैं, अभी तो मेरे पास आई है कानून, क्योंकि उसके हाथ सबसे लंबे होते हैं। नहीं यार, यार आयमा को तुम खराब मत करो, तुम अपना खेलो। चलो खाना खाते हैं जाके। ये जबरदस्ती का पिलाया गया मुझे। हाँ, हाँ, ये तो बहुत सवाल था। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर हो या गरीब कटोरा पकड़ के खड़ा होना था? किस तरह का कटोरा पकड़ के खड़ा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना किस तरह का। सुपरमार्केट, क्योंकि आपने वहाँ पे भी पकड़ा ही होता है वो बास्केट सा। अरे कटोरा, कटोरा। अच्छा वो क्या, कटोरा बाउल, बाउल पकड़ा होता है। हाँ, प्याला पकड़ा होता है। कौन सी वो खीर होती है? हाँ? उसमें खीर होती है राइट, जो वाला बाहर खड़े होते हैं अमीरों या गरीब, मस्जिद के बाहर कटोरा खड़े होते हैं। मैं हैम्पर अभी से फोरफिट कर रही हूँ। गोलगप्पे वाले की दुकान। अरे ये राइट। नहीं यार, कौन खड़ा होता है वो देखो, वो देखो, कौन सा अमीर वहाँ खड़ा होता है? वो तो अपनी गाड़ी की विंडो रोल डाउन करके कटोरा तो उसने पकड़ा होता है ना यार।
Look at this. कोई भी लक आजमा लो. अरे यार कुछ भी. हाँ हार गई वैसे सब तो. एक छतरी के नीचे पांच आदमी खड़े थे लेकिन एक बंदा भी गीला नहीं हुआ, बताओ कैसे? क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी. देखो उसको समझ आ गई. एक औरत के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, उसने एक ग्लास तोड़ा, एक गुलदान तोड़ा, एक टेबल तोड़ी, बताओ पहले क्या टूटा? ये तुम दे सकती. ओ मुझे पता था. जबरदस्त जबरदस्त. ये मुझे पता था. आप ये हैम्पर जीत चुकी हैं. बहुत बहुत मुबारक हो. आप अपनी एक अच्छी सी स्पीच दे सकती हैं. मेरे से पहले ही सारी चीजें मोमना खा लेगी. सो बिल्कुल इसलिए मुझे पता था वो चीजें हमें बात करेंगे. आपकी स्मार्टनेस के लिए ये ब्रेन बूस्टर की बड़ी बोतल घर जाके जरूर पीजिएगा. हर दो घंटे बाद दो चमचे. आप अपनी एक चीज दे सकते हैं. हाँ ये थैंक यू सो मच यासिर एंड हम टीवी के. आपने मुझे लाल रंग का शरबत दिया. मैं हमेशा आपकी दुआ गो रहूंगी. ना ये मेरा वहम है और ना ही कोई वाहिमा. ना ये मेरा वहम है और ना ही कोई वाहिमा. दोनों एक साथ आ गई मोमना और आयमा. वाह वाह यार आप क्या बात है. कि एफ्रो ये जो बाल हैं कर्ली से लाइक हाउ बाउंसी इज इट. कौन सा शैम्पू यूज करते हैं आप ये तो बताएं. शैम्पू यूज नहीं करता इसलिए तो कर्ली है इतने. तो अगर भाई आमना से नहीं पूछना आयमा से तो मोमना से पूछ लो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी मोमना. आप बिल्कुल अंकल सरगम जैसे लगते हैं. अंकल सरगम जैसा लग रहा हूँ मैं. उनका क्रेडिट भी खा जाऊंगा इंशाल्लाह. आयमा और मोमिना दोनों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे. अंकल आप मुस्तकबिल का जो हाल बताते हैं बताएं और जाएं यार. अच्छा, सबसे पहले मैं आयमा के बारे में बताना चाहता हूँ. अगला पूरा साल लकी आपके साथ होगा. कौन मेरे साथ होगा? लकी 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 मेरे साथ होगा. लक साथ होगा. नहीं नहीं लकी साथ होगा. सजाद अली का भाई लकी अली वो शायद कोई नया एल्बम करे इनके साथ. आपने बहुत ठंडी कॉमेडी की. अब जरा मोमिना के बारे में बताएं. भाई मोमिना तो मुझे आसमानों पे नजर आ रही हैं. मतलब मोमिना बहुत ज्यादा और शोहरत मिलने वाली है मोमिना को. हाँ एक बार पहुंच गई आसमान पे तो मशहूर तो हो जाएंगी. मतलब भाई मतलब ये कि मेरे हिसाब से ये अगले साल स्काई डाइविंग करेंगी और मजीद मशहूर हो जाएंगी. ओह रियली दैट्स नाइस. थैंक यू अंकल सरगम लुक अलाइक. इट्स ओके इट्स ओके. मेरे ख्याल में इस बात पे आपको खुद ही चले जाना चाहिए. भाई चला तो जाऊंगा लेकिन सेल्फी तो लेके जाऊंगा भाई. एक तरफ आफरीन और एक तरफ अहले दिल. जस्ट चिल जस्ट चिल. प्लीज आप लोग एक तस्वीर खिंचवा लेंगे इनके साथ. या ऑफ कोर्स. किस तरह का झोल करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे. मिल जाएंगे तुमको ये यहां. द आफ्टरनून शो. मेरे साथ हैं मोमिना मुस्तहसन और आयमा बेग. देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो सीजन 2. वेलकम बैक. दोनों खवातीन कटहरे में पहुंच चुकी हैं. कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? डर लग रहा है. डर लग रहा है या पहले कभी नहीं? डर ही ना जाए आप दोनों कटहरे से. मुझे डर है ना कोई आप दोनों किसी चीज से भी डर नहीं लगता. मुझे अंदाजा है इस बात का आपकी शक्लों में नजर आ रहा है. आयमा आपसे शुरू करते हैं. आप पर इल्जाम है कि आप लड़कियों के अलावा लड़कों की आवाज में भी गा लेती हैं. इसी चक्कर में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में से आपने आसिम अजहर को कटवा कर उसकी फीस भी खुद रख ली. क्या ये सच है? दैट वाज अ गुड वन हां ट्रू. हुआ कभी ऐसा? ट्रू. जब मोमिना आप पर इल्जाम है कि ओरिजिनल आफरीन आफरीन तो एक तरफ, जब दोबारा आफरीन आफरीन हुआ उसमें जो एडिशनल शायरी है यानी कि आपकी तारीफें जो हैं वो आपने खुद की हैं और नाम लगा दिया है शायर का. Actually, I was having a conversation with Khan साहब, राहत फतेह अली खान साहब. मैंने कहा ये मतलब मैं खुद कह रही हूँ होने लगी हूँ मैं हसीन नजरों ने. पर चले कोई मसला नहीं. हाँ आई कैन टेक इट एज एक सेल्फ प्रेज. सो व्हाई नॉट. चले सही मान लिया भाई उन्होंने तो. इट्स ओके. आयमा आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ उसी सिंगर को सिंगर मानती हैं जिसको YouTube पर गाना अपलोड करते ही कम से कम 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाए, चाहे वो सज्जाद अली ही क्यों ना हो. आप फिर उसे सिंगर नहीं मानती हैं अगर फॉलोअर्स या उसके व्यूज ना हो. हो रोड दिस टेल मी प्लीज. नहीं यार इल्जाम है ना. मतलब मैंने भी बड़ी अपनी पहले स्टार्टिंग में वीडियोस अपलोड की थी पर उन पे आई थिंक होंगे कोई 500 व्यूज. पर आई नेवर थॉट कि मैं सिंगर नहीं हूँ.
I mean, but I never thought that I'm a singer. Nahi hun. So I always had this in my mind and in my soul that I am a singer and I was meant to be a singer. So this is wrong. Momina, aap par ilzam hai ki Malala ko Nobel Prize mila, to aapko bilkul khushi nahi hui. Aapne kaha listo mein main hoon, prize usko mil raha. मैं इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करती. किसी और की तरक्की से, स्पेशली कोई लड़की हो, मुझे बहुत खुशी होती है. अच्छा, आप दोनों पर ये इल्ज़ाम है कि आपको एक्टर्स की सिंगिंग करने से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, जैसे कि मैं विषय आप या आयशा उमर, और आप कहती हैं कि अगर हम एक्टिंग में आ गए तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी. आप एक्चुअली मैं विषय हयात और आयशा उमर दोनों से पूछें तो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड विद आइदर ऑफ देम वाज दैट आई लव हाउ दे सिंग. क्या बात है, आप भी इसी तरह का जवाब देना चाहेंगी. दूसरे जो एंड था ना उसका सवाल का, हाँ, कि हाँ अगर हम एक्टिंग में आ गई तो ये भी है. सच है, इट्स गोना बी अमेजिंग. या ऑफ कोर्स, श्योर. कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे देते हैं लड़कियों को और आगे चलते हैं. आयमा, आप पर इल्जाम है कि आपने फिल्म लाहौर से आगे के सिंगिंग ऑडिशन में दो लड़कियों को सिंदूर खिला दिया था. आज वो बेचारी कवालों के पीछे हम नवा का काम करेंगे. सिंदूर खिला दिया था? सिंदूर क्यों खिलाया था? उससे आवाज चली जाती है बेटा. अच्छा, ये इनको इसलिए पता है कि इन्होंने किया वे लोगों के साथ. हाँ, बताओ. वो जो लाल सा होता है जो सर पे लगाते हैं, वो वाला सिंदूर. वो जो सर पे लगाते हैं वाला सिंदूर. हाँ हाँ, काउंटर. ये कैसा सवाल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. मासूम सी बच्ची को पता भी नहीं है वो क्या है. आप, मैं भी ऑडिशन में बैठी हुई थी. ये ट्रू है कि मेरे साथ दो तीन लड़कियां और बैठी हुई थी, लेकिन ये तो वाकई आसिम की अम्मी है भाई. और मेरे से पहले शिराज ने उनको बुलाया और उनसे गाने गवा लिए. मैंने कहा इसका मतलब आई एम जस्ट अ बैकिंग वोकलिस्ट. तो फिर मैंने शिराज भाई से पूछा, मैंने कहा शिराज क्या मतलब आई एम जस्ट गोना गो ना. वो कहते नहीं नहीं, उनसे तो मैं तुम्हारे पीछे वाली आवाज निकलवा रहा था, प्रेम गाना तो तुमने गाना है. मैंने कहा वाह. मोमिना, आप पर इल्जाम है कि आपने शादियों के पैकेजेस बनाए हुए हैं अपीयरेंसेस के लिए, जैसे कि दुल्हन की दोस्त, दुल्हन की कजन. और आप दूल्हे की दोस्त कभी नहीं बनती, क्योंकि आपका मानना है कि अगर मैं दूल्हे की दोस्त हुई तो दूल्हा शादी ही क्यों करेगा. मैंने पैकेज जरूर बनाया था सिर्फ अपने भाई की शादी के लिए, क्योंकि मैं दूल्हा की साइड से भी थी, दुल्हन की साइड से भी थी. और एग्जैक्टली ये कैसे तो बनाना पड़ा ना पैकेज. एहसान करके गई शादी पे. ये शादी कैसे हुई, आप दुल्हन की साइड से क्यों थी? क्योंकि वो मेरी बहनों की तरह. आयमा, आप पर इल्जाम है कि आपका मानना है कि मुबशर लुकमान कभी भी इतने मशहूर ना होते अगर वो मेरे साथ गाना ना गाते, और इसी वजह से आपने हामिद मीर और कामरान खान को हिप हॉप और रैप गाने भी दिए हैं कि आप अगर चाहें तो मेरे साथ. I'd be looking forward to that. True. I want to be the Pakistani Nicki Minaj. मोमिना, आप पर इल्जाम है जी कि आपको बिल्लियों का इतना शौक है कि जब भी आपके मोहल्ले में कोई बिल्ली गायब होती है तो लोग चाइनीज छोड़ के आप पे शक करते हैं. मेरे पे करना चाहिए. मुझे बिल्लियां पालने का शौक है, बिल्लियां खाने का शौक नहीं है. ऑब्वियसली मैंने कब का खाने. तो आप फिक्र नहीं करो, कभी कभी इतनी प्यारी लग रही होती है कि दिल कर जाए इनको खा जाए ना. यार इससे तो बचो. आई लव कैट्स. मेरे पास दो बिल्लियां थी, उनका नाम शकील और रेहाना था. क्या था? शकील और रिहाना. शकील और रिहाना घर पे कोई आता था? कजन्स होंगे आपके, आप भूल रही हैं. वो कजन्स ही थे, मैं तो उनको अपने बच्चे कहती थी. मतलब मेरे तो बच्चे हैं दो. आयमा, आप पर इल्जाम है कि जब साहिर अली बग्गा ने कहा ये तो आना ही था, रेटिंग एआर रहमान से ज्यादा है, तो आपने भी बदले में कहा कि मैं भी लता मंगेशकर से ज्यादा मशहूर हूँ. मैं भी लता जी से ज्यादा मशहूर हूँ. हाँ यार, दैट्स अ खुला लाए. आई मीन एवरीबॉडी नोज दैट. एंड व्हाट अबाउट जो उन्होंने कहा कि उनकी रेटिंग एयर एमआर से ज्यादा है. मोमिना, आप पर इल्जाम है कि जो आप हर वक्त अमेरिका आना जाना लगाए रखती हैं, इसका एक रीजन है कि आप यहाँ से पान और छालियां लेकर जाती हैं और वहां से महंगे फोन यहाँ लेकर आती हैं. मैंने पिछले ये तो अच्छा था. मैं, हाँ जी, मैं काफ़ी सारे पाकिस्तानी स्नैक्स को कार्टन्स में बंद करके लेके जाती हूँ. और इनकी एक रेगुलर कस्टमर मैं भी हूँ. हाँ हाँ, चीज़ें खाने वहाँ पे जाके मुझे कुछ अच्छे फोन चाहिए. वो जो आप लॉक फोन लाके हैं, प्रॉब्लम ये कि अनलॉकिंग करवाती हैं, मैंने सुना. नहीं नहीं, पिछले 5 साल में मेरे सिर्फ ये दूसरा फोन है. मैं अपने छोटे भाई की तरह नहीं हूँ, वो तो हर वक्त तोड़ता रहता है फोन. मेरे 5 साल में जिस मैं सेकंड उसके ब्रेकअप ज़्यादा होते हैं. हाँ हाँ होते हैं ना, तो फोन तभी टूटते हैं और कोई वजह नहीं फोन टूटने की.
मेरे ख्याल में आप दोनों ने बहुत अच्छे से सामना किया इनका. मैं सही कह रहा था, बहुत निडर लड़कियां, और पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को वैसा ही हो जाना चाहिए ताकि मुल्क बहुत तेजी से तरक्की करे. बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज तशरीफ लाइए. अब बैठ जाएं हम? हाँ हाँ बिल्कुल आके. वाह बहुत सालों ने सामना किया इल्जाम का, खासतौर पर आपने मोमिना बिल्कुल ही सीधा सीधा सामना कर दिया. रोजमर्रा का काम हो गया ना इल्जामात को फेस करना. बहुत अच्छा आप दोनों ने किया. अभी हमारा आखिरी सेगमेंट है, ये सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. ये है फ्लाइंग एरो. ये एरो आपके हाथ में रहेगा जब तक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और उसके बाद आप ये आगे पास कर देंगी. शुरू करते हैं आपके साथ. इनमें से किस गाने की मेलोडी आपको पसंद भी है और इसके लिरिक्स भी आपको डिफाइन करते हैं कुछ कुछ? कलाबाज, दिल, बाजी या आतिश? अच्छा, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी हीरोइन है जो एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन गानों पे लिप सिंक उतना अच्छा नहीं करती? उमायमा मलिक, माया अली, सबा कमर या माहिरा खान? There's nothing personal, but I'm just telling generally, okay? Because I've had that experience. So I'd say Maya, out of these. आप इनमें से किस गाने की वीडियो में एक्ट करना चाहेंगी? मेरा हुस्न कलाशन को निशाना 10-10 वजदा, एक मुंडे का नाम वसीम है, या फिर आई टू आई? आई टू आई. आई टू आई. आपके ख्याल में इनमें से कौन आपसे बेहतर सिंगर है, गुल पाना, क्यूबी या मीशा शफी? तीनों बहुत अच्छा गाती हैं, तीनों अच्छी हैं मेरे से. अरे यार ये तो बिल्कुल आपने जाने दिया, लेकिन चले कोई नहीं. इनमें से किस इंग्लिश सॉन्ग का तर्जुमा गाना चाहेंगी आप? हर रात मेरे ख्वाब में, वका वका इस दफा अफ्रीका, जन्नत में हूँ मैं जन्नत में हूँ? अब every night in my dreams I see you. That's the one. Good यार. आपके ख्याल में इनमें से किस हीरोइन को आपकी आवाज बैकग्राउंड सिंगिंग अगर हो तो ज्यादा सूट करेगी? मैं भी शायद उर्वा या माया अली? माया. क्या बात है, ये लड़की कामयाब है भाई. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, इनमें से किस मेल सिंगर के साथ गाना गाने का मौका मिला तो सब कुछ छोड़ के वो गाना लगेंगी? हसन जहांगीर, सलीम जावेद, तहसीन जावेद? जहांगीर झा वाले जो हैं. जहांगीर हवा हवा वाले. अगर आप अपना पहला गाना मुबशिर लुकमान के अलावा किसी और तजिया निगार के साथ गाना चाहती तो कौन होते? डॉक्टर शाहिद मसूद? आमिर आके बिल्कुल ना होते. हामिद वो तो तजिया निगार हैं बिल्कुल. हामिद वीर, जावेद चौधरी, नदीम मलिक? अच्छा, पहली बात तो ये कि जब मैंने उनके साथ गाना किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली करते क्या हैं. मैं यकीन से बता देता हूँ, उस वक्त उनको भी नहीं पता था. So I would say nobody, none actually. किसी के साथ नहीं? None. वो भी गलती दोबारा नहीं करना चाहता. ये सिर्फ अब्बू के कजन को आई रहा है. वो भी अब्बू के कहने पे. कोई नहीं, वेरी गुड यार, मगर बड़े अच्छे जवाब दिया आपने और काफी क्विक भी थी. और सच बोला. हाँ सच भी बोला. आपने भी सच बोलना है अब. मैं तो दूं वही बार. मोमिना जी सर, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी वजह है कि आप हिट हो? राहत फतेह अली खान, शुजा हैदर, आसिम अजहर? राहत, शुजा और तीनों. वाह बहुत कुछ सीखा आपने तो आइमा से अभी थोड़ी देर पहले. तीनों, वेरी गुड. अच्छा, इनमें से कौन सा सिंगर सिर्फ इसलिए सिंगर है क्योंकि उसका भाई भी सिंगर है? दानियाल जफर, लकी अली, उजैर जसवाल? आपको इसका जवाब तो पता ही है क्या? मुझे तो सबके जवाब पता है, तो मैं गेम ही बंद कर देता हूँ, छुट्टी कर लेते हैं सारे. तो बताएं ना, आप सच बोलेंगे? आप आपके ख्याल में सबसे ज्यादा भाई की सपोर्ट किसको है? इनमें से किसी को भी प्रॉब्ली सबसे ज्यादा भाई की सपोर्ट नहीं है क्योंकि होती तो ज्यादा नजर आता है. कटरीना कैफ को सबसे ज्यादा, कटरीना कैफ का भाई की सपोर्ट. दैट सलमान खान नो. ये अभी तक रिडल्स में चल रही है. अगर आपकी जिंदगी पर किताब लिखी जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? तेरा वो प्यार, आफरीन आफरीन या आवारी? दरियाफ्त. दरियाफ्त. किसकी दरियाफ्त है आप? मेरी अपनी. हाँ मेरी अपनी, मतलब एक तो डीप ऊपर से इतनी डीप. ठीक है भाई ठीक है. इनमें से कौन सा सिंगर गानों से ज्यादा अपने कपड़ों पर ध्यान देता है? आसिम अजहर, उजैर जसवाल या साहिर अली बग्गा जी? तीनों. हाँ? तीनों. नोटिस है क्या आपने? मैंने तीनों के साथ, I work with all three and all three take more time than I take. मतलब चार घंटे से भी ज़्यादा? मैं चार घंटे का लेती हूँ. मैं वैसे ही गलत बोल रही हूँ. लेकिन इनमें से कोई एक तो होगा जो ज़्यादा टाइम लेता है? तीनों तीनों तीनों. पक्का भाई शायद इतना ना लेते हो, पर इतना मैंने I haven't interacted with them too much.
आप क्या कहती हैं ये बता सकती हैं? सही है. इनमें से कौन सा गाना आप गाती तो ज्यादा बड़ा हिट होता? बुए बारियां, दिल हुआ वो काटा या डिस्को दीवाने? प्लीज ये ना कह देना तीनों. तीनों फ्लॉप हो जाते अगर मैं गाती. यार सीरियसली ये लड़की पॉलिटिक्स में जाएगी और ये हमजा से आगे निकलेगी, मुझे अंदाजा हो रहा है. फॉर दैट फॉर श्योर है ना. इनमें से कौन सी सिंगर अगर एक्टिंग करती तो ज्यादा कामयाब होती है? हुमैरा अरशद, शाजिया मंजूर या एनी खालिद? मुझे अच्छा बाकियों का इतना पता नहीं है तो आई गेस एनी. ओके, आपके ख्याल में इनमें से कौन बेहतर है और प्रायोरिटी पे किसको रखेंगी, शुजा, साहिर अली बग्गा या स्प्रिंग्स? बेहतर या प्रायोरिटी बहुत फर्क चीज है. हाँ, दोनों में से एक. Who do I look up to more? हाँ. Strings. Strings. वो मेरे मेंटर्स हैं. And Aima would know that too. Yeah. I think whatever little confidence I have is because of them. But I mean the rest of the two people have also played a role. Apart from that, I think they're amazing. I mean. बहुत परेशानी में हो तो किसको कांटेक्ट करके बुलाएंगी? बिलाल खान, आसिम अजहर, दानियाल जफर? आसिम अजहर. इनमें से किस हीरोइन के लिए ज्यादा शौक से गाना गाना चाहेंगे, मावरा, सबा कमर, उर्वा या माहिरा? मैं तो चारों के लिए चाहूंगी गाना गाना. वो तो जाहिर है जो अपॉर्चुनिटी तो वन चांस प्लीज सर वन चांस. देखिए अब चलें करता हूं मैं कुछ. किसी को भी नहीं दे रही प्रायोरिटी? नहीं सबको इक्वल प्रायोरिटी क्योंकि आई देयर ऑल फोर ऑफ देम आर ग्रेट. अच्छा गाड़ी में चोर आ जाए तो क्या चीज नहीं देना चाहेंगी, मोबाइल, पर्स या ज्वेलरी? मैं दोनों नहीं देना चाहूंगी. मैं कहूंगी ज्वेलरी ले जाओ जो कि है ही नहीं ना. मैं कहूंगी यही था. अगर कहीं और से लूटो मुझे भी ला के दे देना. वाकई? हाँ मैं एक ब्रेसलेट और एक इयररिंग होती है, दैट्स इट. बहुत अच्छा आप खेली, बल्कि जरूरत से ज्यादा अच्छा खेली. अच्छा दोनों ने एक मक पे दो दो लोगों ने साइन करने क्योंकि ये लोगों के घर जाते हैं. ठीक है मतलब दो दो मुझे समझ एक मक पे ये जो मेरा मांग है मैंने साइन करना है. अपना कुछ भी कुछ अच्छा लिख भी दो बेचारे के बारे में, बेचारी के बारे में जिसके पास ये पहुंचेगा. ये बहुत ही फिलोसॉफिकल हो गए हैं, बहुत डीप मग्स हैं, बहुत सोच समझ के इन पे लिखाई की गई है. हमारा एंड में हमेशा 2 मिनट्स ऑफ फेम का सेगमेंट होता है जिसमें हम उन लोगों को लाते हैं जिन्होंने कभी गाना नहीं गाया टेलीविजन पर और वो एक गाना सुनाते हैं. लेकिन चूंकि आज हमारे पास दोनों ही सिंगर थे तो हमने कैसे लगेगा आप लोगों को जज बुलाया है. Okay. तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही हमें कुछ सुना दें. ओके.